हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई गुजरात के हापा से 25 अप्रैल 2021 को महाराष्ट्र के कलम बोली के लिए 3 ऑक्सीजन टैंकरों सहित रोरो सेवा परिचालित। पश्चिम रेलवे द्वारा परिचालित ये पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 44 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन। ट्रेन द्वारा 860 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ट्रेन के तीव्र परिचालन हेतु निर्बोध पथ उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड संक्रमण के समय कुछ चिकित्सकीय परिस्थितियों के उपचार में ऑक्सीजन की उपलब्धता एक प्रमुख तत्व है। भारतीय रेलवे मिशन मोड पर अगले 24 घंटे में 140 एमटी से अधिक लिक्विड ऑक्सीजन की डिलीवरी करने जा रही है। अब तक मुंबई और विशाखापट्टनम वाया नागपुर तथा नासिक और लखनऊ के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है। लगभग 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन वाले कुल 10 कंटेनरों का अभी तक परिवहन किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार 25 अप्रैल 2021 को गुजरात के हापा से BWT वैगनर पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO से लदे 3 टैंकरों को लेकर 18:03 रवाना बजे हुई रोरो सेवा 26 अप्रैल 2021 को महाराष्ट्र के कलंबोली पहुंचेगी। इन ऑक्सीजन टैंकरों की आपूर्ति मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर द्वारा की गई है। लगभग 44 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन कर रही ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 860 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुचारू आवाजाही के लिए कम समय में भी हापागुड शेड में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। ये ट्रेन रेल स्तर से टैंकरों की ऊंचाई, समय समय पर दबाव की निगरानी आदि जैसे सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए वाया वीरमगाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और वसई रोड होते हुए चलाई जाएगी। परिस्थिति की गंभीरता और ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जल्द गंतव्य तक पहुंचने के लिए निर्बोध पथ उपलब्ध कराया गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के परिचालन के द्वारा रेलवे यह सुनिश्चित कर रही है कि देश भर में कोविड-19 मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए जिसमें जरूरतमंदों को राहत मिल सके। क्रायोजेनिक कार्गो होने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन के परिवहन में अधिकतम गति जिस पर इससे लाया जा सकता है, अधिकतम त्वरण और मंदी तथा लिक्विड ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता और लोडिंग रैंप आदि जैसी सीमाएं शामिल हैं। रूट में विभिन्न सड़क निचले पुलों और पैदल ऊपरी पुलों के कारण उपलब्ध अधिकतम क्लियरेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के मार्ग का खाका तैयार किया जाता है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा उपकरणों आदि की आपूर्ति के लिए विशेष पार्सल गाड़ियों का परिचालन हो या किसान रेल चलाकर किसानों की मदद करना हो और अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस का परिचालन। भारतीय रेलवे सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला तथा भारत के लोगों की हर संभव मदद कर रही है। रेलवे हर समय और विशेषकर आपात स्थिति के दौरान राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। रेलवे ने हर समय विशेषकर आपात स्थितियों में देश की सेवा जारी रखी है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।